मकर संक्रांति की आप सभी को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सभी के जीवन में मंगल होता रहे। तो दोस्तों आइए अब हम सब चलते हैं नई जानकारी की तरफ। जी हाँ, व्रत और त्योहार का जो भूमि है, जो धर्म का जो कण कण में परमात्मा को देखने वाला देश है, वो है हमारा भारत देश। हम सभी भारत जन्मे हैं और हमारी सनातन संस्कृति में हर महीने कोई ना कोई उत्सव त्यौहार आता रहता है और हम सभी इसलिए त्यौहार मनाते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो और उत्साह से भरा हो और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे और हमारा जीवन खुशहाल रहे, पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो दोस्तों आइए हम आपको लेकर के चलते हैं, बताते हैं कि मकर संक्रांति क्या है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। दोस्तों जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उत्तरायण का समय होता है। दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में जाते हैं जिसे महापुण्यकाल का समय कहा जाता है। दान पुण्य का ये महापर्व मकर संक्रांति 2020 में इस बार 14 जनवरी को नहीं 15 जनवरी को मनाया जाएगा और धनु राशि से निकलकर भगवान सूर्य अपनी चाल बदलते हुए दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे, जिसके कारण महापर्व संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो 15 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग और संयोग है। और दोस्तों 15 जनवरी को बुधवार दिन बन रहा है, पड़ रहा है। इस दिन पूरे दिन वैसे तो दान पुण्य का योग है, लेकिन अगर हम पुण्यकाल की बात करें, क्योंकि जो भी कार्य पुण्यकाल में किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। पुण्यकाल में अगर बात करें, सुबह 7:19 से पुण्यकाल प्रारंभ होगा, ये रहेगा 12:31 तक। और अगर महापुण्यकाल की बात करें तो 7:19 से 9:03 तक ये योग रहेगा। जी हाँ, 7:19 से 9:03 तक रहेगा। मकर संक्रांति के साथ जो मांगलिक कार्य हैं हम सभी के वो भी प्रारंभ होते हैं और विवाह का जो प्रथम मुहूर्त है उत्तरायण में वो 15 जनवरी को ही है। दोस्तों इसी दिन से विवाह और गृह प्रवेश, नया भवन, नया मकान और मुंडन, ये जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब प्रारंभ होते हैं। और इस दिन किसी त्रिवेणी में, संगम में, गंगा नदी में स्नान करने का जो फल है वो अक्षय कहा जाता है। और अगर आप जाते हैं स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों तो आप अपने नहाने के जल में ही माँ गंगा का स्मरण करिए, उनका उनके मंत्र पढ़िए। नहीं है तो केवल मानसिक स्मरण करिए और आप ऐसा सोचिए कि मैं गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, क्योंकि जो त्रिवेणी है, गंगा है, वहाँ पर त्रैलोक से देव धनुज किन्नर नरसेनी सादर सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बट हर से ही गाता। तो देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और दैत्य, ये सभी आते हैं, गृहस्थ हों चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे गृहस्थ हों चाहे वानप्रस्थी हों, चाहे सन्यासी हों चाहे ऋषि हों, चाहे मुनि हों चाहे योगी हों, चाहे तपस्वी हों चाहे देवता हों, चाहे दैत्य हों चाहे मनुष्य हों, ये सभी आते हैं स्नान करने के लिए। और स्नान करके फिर एक महीने तक यहाँ दो ऋषि मुनि कल्पवास भी करते हैं, जाते हैं। आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आप गंगे माँ का स्मरण करिए और ये मंत्र आप पढ़ लें तो और भी अच्छा है। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यूयनाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति स गच्छति। तो जो भी विष्णु गंगा गंगा 400 कोस से भी पुकारता है, गंगा माँ उसके समस्त पाप नष्ट कर देती हैं। और यहाँ तक शास्त्रों में गंगा की महिमा कही गई है कि गंगा माता, अगर कोई पक्षी भी पार करता है गंगा को तो उसे भी इस आवागमन से, तिर्यक योनि से, पशु पक्षी की योनि से निकाल कर उसे मुक्त कर देती हैं। इसलिए हम सभी एक जो है इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। आइए सबसे पहले गंगा माँ की स्तुति कर लें जो तुलसीदास जी ने किया है, श्रवण कर लें। जयति जय सुरसरी जगद अखिल पावनी विष्णु पद कंज मकरंद इव अम्बुवर बहसी दुख दहसी अघबृंद विद्राविनी मिलित जल पात्र अजयुक्त हरिचरण रज विरज वरबारी त्रिपुरारी सिरधामिनी जहनु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत भूधर द्रोणी विद्धरणि बहुनामिनी यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर
किन्नरो रग धनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिमयामिनी हरित गंभीर बानीर दुहतीर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी नील परयंक कृत सयन सर्पे सजनु सहस सीसावली श्रोत सुर स्वामिनी अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणि वंद्य त्रैलोक्य पथगामिनी देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्राश हरणि भवामिनी हे गंगा जी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो। विष्णु भगवान के चरण कमल के मकरंदरस के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो। दुखों को भस्म करने वाली पापों का नाश करने वाली भगवान के चरण रस से मिश्रित तुम्हारा सुंदर निर्मल जल ब्रह्मा जी के कमंडल से भरा रहता है। तुम भगवान शंकर के सिर पर सवार रहती हो। हे जाह्नवी तुम्हें तुम धन्य हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया है। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम है जो यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित आते हैं और तुम्हारे जल में स्नान करते हैं। तुम स्वर्ग की निसेनी ज्ञान विज्ञान की प्रदायिनी हो। मोह मद काम रूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर तीर पर हरे भरे घने वृक्ष लगे हुए हैं। उनके बीच में संसार को सुख पहुंचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। यह ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नील रंग के पलंग पर सहस्र फण वाले शेष नाग सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी तुम्हारे हजारों सोते शेष की फणावली जैसी शोभित हो रही है। तुम्हारी असीम महिमा है, अग्नित रूप है, राजाओं की मुकुटमणि के समान तुम वंदनीय हो। हे तीनों लोकों की मार्गों से गमन करने वाली शिवप्रिय, हे भवभय हारिणी जननी तुम तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पर रघुनाथ के चरणों में अनन्य प्रेम दो। हे भगवती आपको बारंबार नमस्कार है। हे गंगा जी आपका स्मरण करते ही दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप नष्ट हो जाते हैं। आनंद और मनोकामना को पूर्ण करने वाली तुम पृथ्वी पर शोभित हो रही हो। अमृत के समान मधुर और मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा है। हे गंगे माँ और गंगा को बार बार प्रणाम किया है। गंगा त्रिपथगामिनी है, भक्तों को भव से पार करने वाली हैं। अंत काल में भी हमारे सनातन संस्कृति में ऐसी गंगा की महिमा बताई गई है कि कितना भी पापी हो लेकिन अगर अंत काल में भी उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जाता है तो वो भगवान श्री हरि के लोक को चला जाता है। तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुलसी और गंगा जल इनका नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा तो है नहीं कि मृत्यु कब आने वाली है। इसलिए हम मृत्यु का विश्वास ना करके, क्योंकि प्रति पल एक एक पल ये पल जा रहा है जीवन से, जीवन कम हो रहा है, जीवन कम हो गया है। जो बचे कुचे दिन हैं इसमें हरि का भजन, इसमें सुमिरन, दान, धर्म, तपस्या मनुष्य शरीर पाकर के कर लेना है, गंगा को प्रणाम करना है। जो महापर्व मकर संक्रांति है इसमें दान की बड़ी महिमा है, क्योंकि जो मकर संक्रांति है व्यतिपात है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है और ना बालक बालिका के नालक छेदन से पहले और मकर संक्रांति के महापर्व पर जो भी दान किया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तिथियों में जो भी दान किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं उसका फल हमें फिर अक्षय माने अनंत जन्मों तक, जिसका दान का अक्षय का मतलब है जिसका कभी समापन समाप्ति ना हो। तो इतना आपने जो भी दान किया उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप दीन दुखियों को और ब्राह्मणों को, साधु संतों को जो भगवान के आश्रित भक्त हैं उनको भजनानंदी हैं, उनको दीन दुखियों को गरीबों को आप उनको कंबल है, खिचड़ी है, तिल का दान है और तिल का एक एक तिल के दाने का जो दान है वो कहते हैं कि स्वर्ग में उतने हजार वर्षों तक रहने का सौभाग्य मिलता है।
तो ये ईश्वर की हम सब पर असीम कृपा है कि हमें ऐसा पुण्य योग मिला है, ऐसा हमें संयोग मिला है। तो दोस्तों, आप सभी गंगा मैया की उपासना करें, आप उनका आवाहन करें, दान करें, धर्म करें, माता पिता गुरु को प्रणाम करें, प्रातःकाल उठते ही अपने हथेलियों को देखें और उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करें, अपने हाथों में ये देखें कि हमसे सत्कर्म हो और इसमें ईश्वर का निवास है, प्रभु हमसे अच्छे कार्य हो, उसके बाद माता पिता गुरु को प्रणाम करें, स्नान करें, ध्यान करें, मनुष्य जीवन को सफल करें। दोस्तों, आप सभी के जो जीवन के संकट हैं परमात्मा हरण करते रहें, आपके परिवार में प्रेम और सद्बुद्धि सद्विचार बने रहें, आप सभी सुखी हों, निरोग हों, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आप तक हर जानकारी आसानी से पहुँचाई जा सके। दोस्तों, आप सभी से फिर मिलेंगे नई नई कथा और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।